नमस्कार, मैं डॉक्टर बीर सिंह सहवाग बोल रहा हूँ। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ सर्वोदय हॉस्पिटल में। मैं आज आपको जानकारी देना चाहूँगा ERCP प्रोसीजर के बारे में। ERCP एक प्रोसीजर है जिसकी फुल फॉर्म होती है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी। ये प्रोसीजर बाइल और पैंक्रियास की डिजीजेस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसीजर के अंतर्गत एक एंडोस्कोप होता है जिसको मुंह से डाला जाता है और वो फूड पाइप पेट से होते हुए छोटी आंख में जाता है। उस एंडोस्कोप से कुछ पतले इंस्ट्रूमेंट्स निकलते हैं जो बाइल डक्ट या पैंक्रियास के अंदर इंसर्ट होते हैं और वहां पे डाई डाल के वहां की तस्वीरें ली जाती हैं और वो कंपेयर की जाते हैं कि बीमारी क्या है और इसका कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। बाइल डक्ट की जिन बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है, बाइल डक्ट के स्टोन्स, बाइल डक्ट में कोई भी रुकावट जैसे स्ट्रक्चर या बाइल डक्ट का कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर या फिर पैंक्रियास का कैंसर या पेरिइंपेलरी एरिया जो बाइल डक्ट का नीचे का एरिया होता है उसका कैंसर। इसके अलावा पैंक्रियास की बीमारियां जैसे स्टोन्स, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, उसके अंदर भी ERCP का रोल होता है। जिन पेशेंट को बार बार पेन हो रहा होता है इन बीमारियों की वजह से या जिनको पीलिया हो रहा होता है, उन मरीजों को ERCP करने की जरूरत होती है। यह मरीज एनेस्थीजिया, यह प्रोसीजर एनेस्थीजिया में किया जाता है जिसमें मरीज टेबल पे सोता है और एनेस्थीजियोलॉजिस्ट उसको दवाई देता है। उसके बाद प्रोसीजर करने के बाद मरीज कुछ समय के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है।